दिल्ली में पुलिस वालों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा कि देश के इतिहास में पहली बार पुलिस प्रदर्शन पर है तो देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह कहां गुम हैं? तो यहां पर उन्होंने ये कटाक्ष करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 72 साल में पहली बार ऐसा है कि पुलिस प्रदर्शन पर है, क्या ये है बीजेपी का न्यू इंडिया? तो देश को कहां और ले जाएगी बीजेपी, ये तमाम तरह के सवाल रणदीप सुरजेवाला की तरफ से खड़े किए गए। तो कहां गुम है गृहमंत्री अमित शाह, तो ये वो ट्वीट है जो इन सवालों के साथ निशाना यहां पर गृहमंत्री अमित शाह पर साधा गया है। तो मोदी है तो ये है मुमकिन, तो इस तरह के सवाल खड़े करते हुए रणदीप सुरजेवाला नजर आए। टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला की तरफ से किया गया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि 72 साल में पहली बार ऐसा है कि पुलिस प्रदर्शन पर है, क्या ये है बीजेपी का न्यू इंडिया? आखिर बीजेपी देश को कहां लेकर जा रही है, तो देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह कहां गुम है? तो जिस तरह से वकीलों और पुलिस का मामला इतना बढ़ गया है और अब पुलिस प्रदर्शन कर इस पूरे मामले के विवाद को सुलझाने की बात कह रही है, और साथ ही पुलिस ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि अब वर्दी पहनने से भी डर लग रहा है, क्योंकि जहां भी वर्दी वालों को वकील देखते हैं वो उन्हें पीट देते हैं। अब उस पर इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो गर्म होती दिख रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस ट्वीट के जरिए अमित शाह पर निशाना साधा।